नमस्कार, वन इंडिया हिंदी में आपका स्वागत है। दुनिया में सबसे तेजी से कोरोना संक्रमण भारत में ही फैल रहा है, लेकिन शायद अब ये पहले जितना घातक नहीं रहा। पिछले कुछ दिनों से हर रोज आने वाले केस में कमी आई है और नए संक्रमण से ज्यादा ठीक होने वाले लोगों की संख्या बढ़ रही है। मंगलवार को स्वास्थ्य मंत्रालय की तरफ से जारी आंकड़ों के मुताबिक देश में पिछले 24 घंटे में 70,589 नए कोरोना मामले दर्ज किए गए, जबकि 84,877 मरीज कोरोना से ठीक हुए हैं। हालांकि 24 घंटे में 776 मरीजों की जान गई है। इससे पहले पिछले 26 दिनों से लगातार हर दिन 1,000 से ज्यादा लोगों की कोरोना से मौत हो रही थी। स्वास्थ्य मंत्रालय के ताजा आंकड़ों के मुताबिक देश में अब कुल कोरोना संक्रमितों की संख्या 61,45,000 हो गई है। इनमें से 96,318 लोगों की मौत हो चुकी है। एक्टिव केस की संख्या घटकर 9,47,000 हो गई है और 51,01,000 लोग कोरोना से ठीक हो चुके हैं। आइए एक नजर डालते हैं देश के अलग अलग राज्यों में कोरोना के आंकड़ों पर। देश के अलग अलग राज्यों से कोरोना के जो आंकड़े सामने आ रहे हैं वो बेहद ही चिंताजनक हैं। महाराष्ट्र में अब तक कोरोना के 13,51,153 मामले सामने आ चुके हैं। कोरोना प्रभावित राज्यों में महाराष्ट्र पहले नंबर पर है। राज्य में कोरोना के 2,65,033 मामले सक्रिय हैं। महाराष्ट्र में अब तक 35,751 लोगों की मौत हो चुकी है। राज्य में पिछले 24 घंटे में 11,921 नए मामले सामने आए हैं, जबकि 180 लोगों की मौत हुई है। आंध्र प्रदेश कोरोना प्रभावित राज्यों में दूसरे नंबर पर है। राज्य में अब तक कोरोना के 6,81,161 केस सामने आ चुके हैं। राज्य में अब तक कोरोना से 5,745 लोग अपनी जान गंवा चुके हैं। प्रदेश में एक दिन में 5,487 नए मामले सामने आए हैं, वहीं 37 लोगों की मौत हुई है। कोरोना प्रभावित राज्यों में तमिलनाडु तीसरे नंबर पर है। तमिलनाडु में कोरोना के अब तक 5,86,397 मामले सामने आ चुके हैं। राज्य में 46,306 सक्रिय केस हैं और 5,30,708 लोगों को अस्पताल से इलाज के बाद छुट्टी मिल चुकी है। अब तक 9,383 लोगों की तमिलनाडु में मौत हो चुकी है। राज्य में 24 घंटे में 5,589 नए मामले सामने आए हैं, जबकि एक दिन में 70 लोगों की मौत हुई है। कोरोना प्रभावित राज्यों में कर्नाटक चौथे नंबर पर है। कर्नाटक में अब तक कोरोना के 5,82,458 मामले सामने आ चुके हैं। राज्य में कोरोना से अब तक 8,641 लोगों की जान जा चुकी है। पिछले 24 घंटे में कर्नाटक में 6,892 नए मामले सामने आए हैं, वहीं 59 मौतें दर्ज की गई हैं। उत्तर प्रदेश कोरोना प्रभावित राज्यों की सूची में 5वें नंबर पर है। प्रदेश में कोरोना के 3,90,875 मामले सामने आए हैं। राज्य में अब तक 5,652 लोग इस वायरस से अपनी जान गंवा चुके हैं। प्रदेश में पिछले 24 घंटे में 3,790 नए मामले सामने आए हैं, जबकि एक दिन में 58 नई मौतें दर्ज की गई हैं। देश की राजधानी दिल्ली कोरोना प्रभावित राज्यों में छठे नंबर पर है। दिल्ली में कोरोना के अब तक 2,73,098 मामले सामने आ चुके हैं। राजधानी में कोरोना के 27,123 सक्रिय मामले हैं। अब तक 2,40,703 लोगों को इलाज के बाद डिस्चार्ज किया जा चुका है। कोरोना की चपेट में आकर अब तक दिल्ली में 5,272 लोगों की मौत हो चुकी है। राजधानी में पिछले 24 घंटे में 1,984 नए मामले सामने आए हैं, जबकि 37 लोगों की मौत हुई है। इस खबर में फिलहाल इतना ही। तमाम अपडेट्स के लिए आप बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ।